प्रत्येक सदस्य में एक अनूठी प्रतिभा थी जिसने उन्हें संकट के समय में अमूल्य बना दिया। एक दिन एक छोटी सी मधुमक्खी कॉलोनी के बारे में एक कॉल आए जो जलते हुए जंगल में फंस गई थी। अग्निशामकों को पता था कि उन्हें मधुमक्खियों को बचाने और आग को फैलने से रोकने के लिए जल्दी से काम करना होगा, लेकिन एक समस्या थी। मधुमक्खियों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हवाई जहाज था और उनका हेलीकॉप्टर मरम्मत के लिए दुकान में था। बिना किसी हिचकिचाहट के टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। अपने कौशल और सरलता का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने दमकल इंजन को एक अस्थायी विमान में बदलने का काम शुरू कर दिया। रस्सियों, पुली और ढेर सारे डक्ट टेप की मदद से वे एक पंख वाला उपकरण बनाने में कामयाब रहे जो उन्हें समय पर मधुमक्खियों तक पहुंचा सकता था। जब वे अपने अस्थायी विमान में आसमान में उड़ रहे थे तो अग्निशामकों ने नीचे की दुनिया की खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हरे भरे जंगल, जगमगाती नदियां, जीवंत फूल, ये देखने लायक नजारा था। लेकिन उनका मिशन स्पष्ट था और उन्होंने अपना पूरा ध्यान फंसी हुई मधुमक्खियों तक पहुंचने पर केंद्रित किया। आखिरकार उन्होंने नीचे जलते हुए जंगल को देखा और छोटी छोटी मधुमक्खियों की कॉलोनी एक साथ इकट्ठी होकर अपने कीमती शहद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अग्निशामक दल नीचे उतरे और तुरंत कार्रवाई शुरू की। आग बुझाई और मधुमक्खियों के भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया। जब मधुमक्खियां सुरक्षित बाहर निकल गईं, तो उनमें से एक भिनभिनाती हुई अग्निशामक दल के पास पहुंची और उनके कंधे पर बैठ गई। ये रानी मधुमक्खी थी और वह उनकी मदद के लिए बहुत आभारी थी। अपनी कॉलोनी को बचाने के बदले में उसने उन्हें अब तक का सबसे स्वादिष्ट शहद चखा। अग्निशामक दल ने शहद को आपस में बांटा, मीठे रस का स्वाद लिया और गहरी संतुष्टि महसूस की। उन्होंने न केवल मधुमक्खियों को बचाया था बल्कि प्राकृतिक दुनिया के एक छोटे से हिस्से को भी बचाया था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। और जब वे अपने अस्थायी विमान में घर वापस लौट रहे थे तो अग्निशमन कर्मियों को पता था कि वे हमेशा अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की रक्षा और बचाव के लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि वे सिर्फ अग्निशमन कर्मी नहीं थे, वे धरती और उसके सभी जीवों, बड़े और छोटे, के संरक्षक थे।